प्यास से व्याकुल उसमर का ये ऑर्डर था, जो इनसे बात करेगा इनको खाने पीने के लिए देगा वही उस पर दंड होगा। जब तीन रोज हो गए, राधा दमयंती से कहते हैं कि रानी कोई बोलने को तैयार नहीं है। मेरे को फिर महाराज मैं कोई काम कर चाला किन चालेंगे किधर। क्या कहते हैं वो राजा नल और तरह से लगो दादा की बुजुर्गो बहुत कम सुनी होगी। मान करते हैं नाम नहीं बता धन्यवाद। नंबर तीन पे हे, नंबर दो पे हे रनलबड़ खन मजार लाग गे तन पे धक के मार लागे तन पे धक के मार लागे। वनखंड के बीच बिचारे पहुंच जाते हैं, भूख प्यास से बहुत दुखी थे, भूख में इतने दुखी थे कि दोनों वीर मर्द क्या खाते हैं क्या बताए। हाँ Thank you.
हेर फेर नलबण खन में आगे उड़े दो पक्षी फिर थे पागे, दो पक्षी फिर थे पागे। राजा रानी की तरफ लखाता है कि रानी देखती है इनको, तू देखती है कि हमारा हाथ देखती हूँ, एक काम कर लू, क्या हमारा हाथ इन्हें पकड़ लू, क्या करोगे, बहुत जोर से भूख लगी है, तेरे को भी लगी होगी, एक को तुम खा लेना और एक को मैं खा लू, मारा हाथ ठीक कहते हो, पकड़ लो इनको, क्या उड़े तो पक्षी मेरे यो डर के है वस्त्र ले भागे, यो डर के वस्त्र ले भागे, प्रेम हो गया बेदी नारायण, प्रेम हो गया बेदी मेरे प्राण दुखी ओए लग जाते हैं। जब सलामड़ी राजा ने अपनी धोती निकाल कर उन चित्रों पर बगाई, धोती को लेकर उड़ जाते हैं, बड़े परेशान हुए। लखमी चंद बात के न्याय की